तो चलो दो इंडियन से मेरे साथ आज मैच के बारे में बात करने के लिए, तो कैसा लगा आज आपने हमारे हाथ से मैच छीन लिया? मुझे ऐसे लगता है आज का मैच कैसा था? दिस इज लाइफ एक्चुअली से, बिकॉज एक मोमेंट पे लगा था कि श्रीलंका सब चिल्ला रहे थे, हम लोग इंडियंस चुप हो गए थे एक मोमेंट पे। लाइफ में भी ऐसा ही होता है, सब लोग रिलेटिव्स फैमिली सब ऐसे बोलते हैं कि कुछ नहीं हो पाएगा कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अपने आप पे फोकस रखना है, बिलीव रखना है और फिर जीतना है सबको। इज व्हाट दिस मैच प्रूव्स टुडे। सब चिल्लाए श्रीलंका श्रीलंका श्रीलंका, बट वी इंडियंस केप्ट आवर होप एंड फाइनली वी वॉन्ट टुडेज मैच यार, दिस इज लाइफ। आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि इंडिया तो मतलब वर्ल्ड चैंपियन है, तो वो कहीं से भी मैच खींचने का दम रखती है इंडिया। तो इंडिया पे मतलब प्रेशर का कोई इतना दिक्कत नहीं होता, वो कभी भी प्रेशर को झेल सकती है, और इतना क्योंकि उन्होंने टफ सिचुएशन में खेल रखा है, तो इसलिए ये कोई इतनी बड़ी जो चैलेंजेस नहीं थी। स्टार्टिंग में लग रहा था कि श्रीलंका ये मैच को ले जाएगा, बट इन द एंड आफ्टर अक्षर पटेल केम और उसने जब विकेट निकाली, तो इसके बाद तो फिर हम एक तरफा ही जीतते चले गए। और यार आपको क्या लगता है श्रीलंका के नए खिलाड़ियों के बारे में, क्योंकि हम दो बार 50 रन पर आउट हो गए थे इंडिया के खिलाफ एशिया कप में। हाँ जी हाँ, तो आपको क्या लगता है ये इम्प्रूवमेंट के बारे में? इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, उनके टॉप प्लेयर्स अच्छे हैं, जो स्टार्टिंग प्लेयर खेल रहे हैं वो दोनों अच्छे हैं और रन भी स्कोर कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मिडिल ऑर्डर थोड़ा डगमगा रहा है, तो इसलिए वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पर उनको थोड़ा धैर्य से और थोड़ा स्मूथली खेलना पड़ेगा। दूसरे मैच देखने आओगे क्या? Sure, definitely. We will come tomorrow as well to watch the second match of India-Sri Lanka as well. Definitely. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thank you so much.